Hello students, I'm Dr. Charu Sharma, and in today's lecture major subject series, we are going to cover Rasashastra, in which we are about to cover the Yantra section. So, Paribhasha Prakaran mein bahut hi important section aata hai Yantra. Aur isme important kya hai ki bahut sare yantra hain, unki alag alag indications batai gayi hain. तो कंफ्यूजन कहाँ होती है जब आप पूरा रसशास्त्र पढ़ लेते हो तो उस समय पे एक पर्टिकुलर अगर यंत्र आपसे पूछा जाए तो वो कई बार जो है प्रॉब्लम करता है, कई बार हमको ऐसे कैसा याद नहीं आता. तो इसके लिए आर टीम हैज क्रिएटेड अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड अ माइंड मैप. तो इस माइंड मैप के थ्रू आप ये यंत्र जो है रसशास्त्र के वो याद करोगे और बहुत अच्छी तरीके से जो है आपको ये याद रहेंगे. तो आपको क्या ध्यान रखना है, बेसिकली एक तो रस जो है यंत्र की डेफिनेशन बताई गई है, आनंद कंद ने बताई है, रसो नियंत्रयते येन यंत्रम. ये आनंद कंद ने किसकी डेफिनेशन बताई है, यंत्र की. अब उसके बाद हम आते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो यंत्र से पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं दे आर बेसिकली द क्वेश्चन दैट आर रिलेटेड टू नंबर्स, कि कौन से आचार्य ने यंत्र की क्या संख्या बताई है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट वी नीड टू कवर हियर, कि कौन से आचार्य ने यंत्र की क्या क्या जो है संख्या बताई है. तो आपको ये कैसे ध्यान रखना है, तो सबसे पहले ओके, ऑल ऑफ यू नो दिस पर्सन, हु इज ही इज अर्णब गोस्वामी. कौन है ये, अर्णब गोस्वामी है. तो अर्णब से रस आर्णव याद रखोगे, अर्णब से क्या याद रखोगे, रस आर्णव. तो रस आर्णव ने कितने बताए हैं, 15 यंत्र बताए हैं. कितने, 15 यंत्र. अब उसके बाद आती है तारा. तारा मीन्स तरंगिणी. तो तरंगिणी ने जो है, रस तरंगिणी ने 20 यंत्र बताए हैं. उसके बाद आया रस रतन समुच्चय. रस रतन समुच्चय में 32 यंत्र बताए गए हैं. 41 है आनंद कंद. तो जो आनंद कंद है उन्होंने कितने बताए हैं, 41 यंत्रों की संख्या दी है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसको एक बार साथ में देखो. कि किसने कौन कौन से बताए हैं, देखो कौन कौन से बताए, यहाँ पे 15 बताए किसने, रस आर्णव ने. तरंगिणी ने बताए 20, 32 रस रतन समुच्चय और 41 आनंद, और एक है पारद संहिता. कौन सी है, पारद संहिता. पारद संहिता ने बताए हैं टोटल 45. तो 15, 20 तारा, 32 रस रतन समुच्चय, आनंद कितने साल का हो गया, 41 ईयर्स का हो गया है आनंद. 41 ईयर्स का हो गया है आनंद. 45 जो है पारद संहिता. Hg जो है वो मर्क्यूरी या पारद का साइंटिफिक नेम जो हम लेते हैं, मतलब साइंटिफिक सिंबल जो है वो लेते हैं. तो 45 जो है वो है पारद संहिता. तो ये आपको नंबर्स जो है ऐसे कैसे ध्यान रखने चाहिए. अब उसके बाद हम आते हैं कि हर एक की क्या क्या जो है इंडिकेशन होती है. तो सबसे पहले जो हम सबसे सिंपल टाइप का डिस्कस करेंगे वो क्या है, दैट आर वेरी वेरी इजी टू लर्न. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऐसे यंत्र जो कि स्वेदनार्थ प्रयोग होते हैं. तो इसमें तीन यंत्र आते हैं. द फर्स्ट वन इज दोला यंत्र, सेकेंड वन इज स्वेदनी यंत्र, एंड थर्ड वन इज कंदुक यंत्र. सो ऑल दीज थ्री यंत्रास दे आर यूज्ड फॉर स्वेदन पर्पस. तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि स्वेदन के लिए इसमें से कौन सा प्रयोग करते हैं, तो आपके दिमाग में ये जो है इमेज आनी चाहिए, कंदुक है, दोला है और स्वेदनी है. ये तीन ही, ये जो तीनों है ये स्वेदनार्थ प्रयोग होते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो क्या है, वो हम देखेंगे कि पातन. देखो पातन के लिए कौन कौन से यंत्र जो है प्रयोग किए जाते हैं. सो दे आर वेरी सिंपल. पातन के लिए तो पातन यंत्र का ही प्रयोग होता है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अधपातन ऊर्ध्वपातन के लिए क्या क्या यूज होता है. तो अधपातन ऊर्ध्वपातन, अधपातन ऊर्ध्वपातन, अधपातन के लिए अधपातन यंत्र, ऊर्ध्वपातन के लिए ऊर्ध्वपातन यंत्र. कंफ्यूजन कहाँ होती है, कंफ्यूजन आपको होती है तिर्यक पातन में, और इसके अलावा ऐसे कुछ नाम जो कि अधपातन में भी यूज होते हैं, ऐसे कुछ यंत्र जो कि अधपातन के लिए भी यूज होते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे देख रहे हैं, क्या है, ये दीपिका पादुकोण है. दीपिका पादुकोण जो है ये एक लड़की है यहाँ पे जिसका नाम है डेकी, है ना. ये है दीपिका पादुकोण, इसके साथ एक लड़की है डेकी, और ये जो है ये नदी में
जो है तो आपको तीन चीजें याद रखनी है, दीपिका, नदी और डेकी, तीनों ही पातन के लिए यूज होते हैं। बट ये जो इस साइड पे है, आपकी इस साइड में जो आपको फिगर दिख रही है, नदी और डेकी, ये दोनों है तिर्यक पातन के लिए। और मैंने दीपिका को कैसे दिखाया है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये है अधः पातन के लिए। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट, दीपिका यंत्र फॉर अधः पातन, तिर्यक पातन के लिए नदी और डेकी आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आपको ये चीज जो है याद हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कूपी पक्व यंत्र जो है, कूपी पक्व रसायन बनाने के लिए कौन कौन से यंत्र यूज होते हैं, तो बालुका यंत्र, लवण यंत्र एंड नालिका यंत्र। बालुका, लवण एंड नालिका, ये तीनों होते हैं कूपी पक्व रसायन आदि बनाने के लिए। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। उसके बाद जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है जारण स्पेशल। क्या है जारण स्पेशल? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जारण का मतलब है कि किसी में किसी चीज को मिला देना। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके लिए आपको एक यहाँ पे टॉर्टोइज दिख रहा है। टॉर्टोइज का मतलब है कच्छप। क्या है? कच्छप। कच्छप ने क्या पहना है, एक यहाँ पे जैसे स्कॉलर होता है ना, तो स्कॉलर के पास विद्या होती है, तो वो ऐसा ही हैट पहनते हैं, तो ये है विद्याधर। तो कच्छप विद्याधर, और यहाँ पे आप देखो एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, सो दिस इज अ पालकी। क्या है ये? पालकी। एंड पालकी स्टैंड्स फॉर पालिका यंत्र, पालकी स्टैंड्स फॉर पालिका यंत्र। और ये पालकी किससे बनी है? ईंटों से बनी है। ईंटों का क्या मतलब होता है? इष्टिका। ये जो रेड कलर की दिख रही है, दिस इज इष्टिका। इष्टिका कहाँ यूज होती है? भल्लातक के शोधन के लिए इष्टिका चूर्ण का प्रयोग होता है, ये भी याद रखो। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने चार यंत्र एक साथ डिस्कस किए हैं, दे ऑल आर यूज्ड फॉर जारण। कच्छप यंत्र है, विद्याधर यंत्र है, इष्टिका यंत्र है और पालिका यंत्र है। ऑल दीज फोर यंत्र आर यूज्ड फॉर गंधक जारण। किसके जारण के लिए? गंधक जारण के लिए चार प्रयोग होते हैं। अब उसके बाद आपको एक जो है और थोड़ा सा मैं डिटेल में दिखा रही हूँ, मैंने इस कच्छप को थोड़ा सा और डिटेलिंग दी है, क्योंकि ये कच्छप यंत्र और तीन चीजों के लिए प्रयोग होता है। एक तो मैंने यहाँ पे हार्ट दिखाया, इसका मतलब है सत्व। जहां पे भी हार्ट आपको दिखेगा उसका मतलब आपको लेना है सत्व। तो बेसिकली क्या, कहाँ पे यूज होता है कच्छप यंत्र? सत्व जारण के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? सत्व जारण के लिए प्रयोग होता है। विड़ जारण के, जारण सेम है, ये सत्व जारण है, ये विड़ जारण है और ये गंधक जारण है। तो तीनों के लिए जो प्रयोग होता है वो है मेरा कच्छप। ठीक है, तो याद रहेगी ये चीज, सिंपल है। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नेक्स्ट इज बेसिकली, ये देखो क्या दिख रहा है, डज इट लुक लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन? ओके, हम लोग जब भी अपना जो है एएनसी ओपीडी में कुछ एग्जामिनेशन पढ़ते हैं, तो हम ऐसा ही प्रेग्नेंट वुमेन बनाते हैं। तो ये इसका जो है यहाँ पे गर्भ है। तो गर्भ किससे बना हुआ है? दिस इज गर्भ यंत्र। तो गर्भ यंत्र इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोमनाथी ताम्रभस। इस गर्भ के अंदर कॉपर है, कॉपर मतलब ताम्र है, तो ये यूज होता है गर्भ यंत्र सोमनाथी ताम्रभस्म बनाने के लिए। दिस इज गर्भ यंत्र, कॉपर है इसके अंदर, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है मेरा हंसपाक। हंसपाक यंत्र इज यूज फॉर, हंसपाक ने यहाँ पे इसकी स्टूल दिख रही है, इसकी विड दिख रही है आपको। हंसपाक यंत्र इज यूज फॉर विड़पाक। तो देखो, गर्भ यंत्र सोमनाथी ताम्रभस्म, एकदम आपको याद आएगी, वहां पे कॉपर था। हंसपाक से आपको उसकी स्टूल याद आएगी, आपको याद आएगा विड़पाक। ठीक है, तो आप कैसे करके इसको याद करोगे? तो ये हो गया हमारा, पातन भी हो गया। अब उसके बाद ऐसे जो है अलग से यंत्र बताए गए हैं जो कि सिर्फ पढ़ के आपको याद हो जाएंगे। सो द फर्स्ट वन इज भूधर यंत्र। तो भू ध ध आता है, तो ध अंतर धूम जारण, ध धूम, भूधर अंतर धूम जारण। पुट भस्म बनाने के लिए यूज होता है, तो सबको पता है। अब उसके बाद एक यहाँ पे यंत्र जो बताया गया है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स आपको दिखाई हैं कि कौन सा जो है किसके लिए यूज होता है। तो एक और चीज आपको, जब यहाँ पे हम ऊर्ध्वपातन पढ़ते हैं है ना, जब हम यहाँ पे सॉरी पातन पढ़ते हैं, तो पातन में आपको ध्यान रखना है कि जो डमरू यंत्र होता है, डमरू यंत्र इज बेसिकली यूज्ड फॉर ऊर्ध्वपातन। जैसे शिवजी ने अपना डमरू जो है ऊपर की तरफ उछाल दिया, ऊपर की तरफ उछाल दिया, सो दिस इज डमरू यंत्र। आपको याद रखना है, ये है डमरू यंत्र।
ठीक है, याद रहेगा ये सारा पॉइंट, बहुत ही सिंपल भी है और इजी भी है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, सो दिस इज घट यंत्र। घट मतलब घड़ा, तो घड़ा किसमें यूज होता है, रसादी में तर्पण एवं प्लवन के लिए। रसादी जो द्रव्य होते हैं रसशास्त्र के, उसमें तर्पण एवं प्लवन के लिए ये पर्टिकुलर यूज होता है। उसके बाद आते हैं नाभि यंत्र। सो नाभि यंत्र क्या होता है, वो पारद के निर्धूम, न से नाभि, न से निर्धूम, न न ना से नाभि, न से निर्धूम जारण, पारद का जो निर्धूम जारण होता है उसके लिए नाभि यंत्र यूज होता है। अब यहाँ पे एक आप वो देखो, क्या देखो, एक थाली मतलब एक प्लेट देखो। इस प्लेट, ये जो प्लेट यूज होती है, धातु सॉफ्ट बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, किसके लिए यूज होती है, धातुओं को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज होती है। उसके बाद आ जाओ, मैंने सन दिखाया है, तो सन में से धूप निकल रही है, तो जो धूप यंत्र है वो क्या, उसके लिए क्या बोला है, जरणा द्रव साधने, जरणा द्रव साधने, जरणा द्रव साधने। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे कवर की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे। और ये जो है यहाँ पे कोष्ठी है, ये क्या कहते हैं, सो कोष्ठी कहते हैं। कोष्ठी किसके लिए यूज होता है, कोष्ठी यूज होता है धातु एवं रत्न से सत्व पातन, सत्व निकालने के लिए। तो सत्व निकालना है जहाँ पे, वहां पे कोष्ठी यंत्र यूज होता है। तो अब हम जो है पूरी पिक्चर को देखेंगे, और पूरी पिक्चर को देखने के साथ साथ आपको जो है इसको रिवाइज भी करना है। यंत्र पढ़े हमने, यंत्र में हमने ये नंबर्स देखे, हमने सारी चीजें यहाँ पे देखी कि कौन सा किसके लिए यूज होता है, और आपको जो है सब चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो दोबारा इसको देखोगे, बार बार इसको देखोगे, तो आपको जो है अपने आप ये चीज याद रहेगी। भूधर अंतर्धूम जारण के लिए कौन सा यूज होता है, तो ये सारी चीजें आपको एक साथ देखनी है, ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो याद रहे। ठीक है, तो आप जितनी बार हो सके उतनी बार आप उसको देखो, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, तो आपको जो है ये सारा का सारा ऐसे कैसे याद रहेगा। अब उसके बाद एक बार अगर हमको रिवाइज करना है, तो मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अच्छा आप मुझे बताओ कि बालुका यंत्र, आपको सिर्फ साइट याद करने की, बालुका यंत्र मतलब एक शीशी बनी हुई थी, उस पे तीन चीजें थी, बालुका था, लवण था एंड नलिका था। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि कच्छप कहाँ यूज होता, तो एकदम से आपको ध्यान आएगा वो जारन वाले एरिया में कच्छप था। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि जो है घट यंत्र कहाँ पे था, तो इस साइड में जो इजी टू लर्न वाला सेक्शन था वहां पे था, रसादी में तर्पण एवं प्लवन के लिए यूज होता है। प्लेट कहाँ यूज होती है, थाली या थाली कहाँ यूज होती है, वो होती है धातुओं को सॉफ्ट बनाने के लिए। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि जो बेसिकली क्या है, जो गर्भ यंत्र है, गर्भ यंत्र किसके लिए यूज होता है, सोमनाथी ताम्र भस्म बनाने के लिए, हंसपाक बिड़पाक के लिए। तो ये एक समराइज्ड व्यू आपको जो है यहाँ पे देखना है, और सारे के सारे यंत्र ऐसे ही आपको याद करने हैं। तो बहुत सारी ऐसी आपके पूरे सिलेबस में ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इसी तरीके से याद करनी है, और इसी तरीके से अगर आप याद करोगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आपको याद रहेंगी। तो आप जो है इसी तरीके से बहुत सारी चीजें याद करने की कोशिश करो, एंड स्पेशली रसशास्त्र ऐसा सेक्शन है जो कि आपको ऐसे ही तरीके से याद करना चाहिए, अदरवाइज बहुत जल्दी हम वो भूल जाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।